डालते इस समय की कुछ मुख्य समाचारों पर। लखनऊ के होटल विराट इंटरनेशनल में लगी भयंकर आग, देखिए रिपोर्ट। चारबाग स्थित SSJ इंटरनेशनल और विराट इंटरनेशनल होटल में मंगलवार सुबह भयंकर आग लगने से 4 लोग की जिंदा जलकर मौत हो गई। करीब 10 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। गंभीर घायलों को बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के वक्त होटल में 50 से अधिक लोग फंसे हुए थे। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू कर सभी लोगों को होटल से बाहर निकाल लिया है। डर के मारे कई लोग बेहोश हो गए हैं, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला है। ये घटना मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे की है। जानकारी मिलते ही मंत्री रीता बहुगुणा जोशी घटनास्थल पर पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजे की घोषणा की है। बाराबंकी के थाना देव पुलिस ने किया एक नया कारनामा, देखिए रिपोर्ट। यूपी के बाराबंकी में पुलिस ने रेप पीड़िता को बिना मेडिकल कराए 10 दिन तक थाने पर बैठाए रखा। रेप पीड़िता और उसके घर वालों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बयान दिया है कि पुलिस समझौता करवाने में लगी हुई है। देवा कोतवाल में समझौता करवाने के लिए 50,000 रुपए का ऑफर दिया गया था। आज रेप पीड़िता को पुलिस ने मेडिकल के लिए महिला अस्पताल भेजा है। अब जब वहीं पुलिस ने संबंध में जानकारी लेनी चाही तो बयान देने से बचती नजर आई। फोन पर कोतवाल नरेंद्र वर्मा ने बताया कि आरोप बेबुनियाद है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हमारा कोई साथ नहीं रहा है, कोई दर्शन नहीं रहा है इसे, और हमारे लड़के पे हम लोग गाय पे 7 तारीख का लड़के गए संडेला, और हमारे सुने वापस 9 तारीख का लगे। कौन लोग थे? जितेंद्र और अखिलेश। ये कहाँ के रहने वाले? हमारे पर के गाँव के रहने वाले। कितना पे उसके बाद पूरी फिर जो ना है 9 तारीख का लेकर वापस बस अड्डे पर डाल रहे हैं। ये साथ 2-3 कांड ऐसे कर चुके हैं, लड़की का अपहरण करते हैं और फिर ला कर उसको डाल देते हैं। और जो ना है जो हम इंसाफ ले बकले को सुन दिया था ना, वो भी मतलब कोई समय नहीं रहे, फिर दोहराए गए हैं। तब कोतवाल जो ना है मतलब उनका भाई बाप और भाई के मतलब लड़के लाए हैं, मतलब बाप का भाई। कितने दिन से आप वहाँ? हम 9 तारीख से बोल रहे हैं, 8-10 दिन सड़क लिए, पैसा दे रहे हैं, कहाँ 50,000 ले लो, 30,000 ले लो, जहाँ के बाद कहाँ, मतलब कौन कर रहे हैं, मतलब हमसे रिश्तेदार कहाँ से उनके और उनके लड़का वाले भाई बाप सब। क्या कोतवाली में? कोतवाली में कोतवाल साहब ने कहा कि जहाँ तक बन जाए, कहाँ तक मतलब इंसाफ होए, सुलह हो जाए, और इनका जो महा जैसे कहन है नहीं कहन है। तो ये दोनों लड़के 15 दिन बाद आपको ना किस गांव में? हमारे लेके गए हैं जितेंद्र अखिलेश 4 पहिया से। कितने दिन बाद? इतने दिन छोड़े जितेंद्र या जितेंद्र अखिलेश? ये कौन है? मतलब लड़का लेके गए, अच्छा लेके गए, तो वहाँ से जब हमने रिपोर्ट किया तो वहाँ से दाब पड़ी है, तो वहाँ लेके आए हमारी लड़की को, यहाँ बस अड्डा पर छोड़ कर फिर फरार हो गया। उसके बाद थाने में यहाँ फिर जब फिर हम जब इनका लेके तो फिर तीसरे दिन आए नए थाने को, तब यहाँ पर फिर रिपोर्ट गई, फिर उनको पकड़ के यहाँ लेके आए, पकड़ कर लाए कर तो फिर उनको रखी है, वो जाँच भई है, वो जाँच के यहाँ लड़के से पूछी जाती है, लड़के को जाँच है तो कहें कि तुम्हारी भी गलती है, सुलह के लिए तो कहें सुलह कर लियो, तो हम कहा सुलह न करते। किसने कहा सुलह कर लिया? सुलह बोले मतलब द्वार कहेंगे और फिर सुलह कर लिए, तो हम सुलह नहीं करते। वो मेडिकल के लिए कितने दिन बाद भेजा गया? आप भेजा गवा है मतलब 8 दिन भेजी गई है, लड़की के बाद 8 दिन भेजी गई। क्या डेली आप दवाई थी है? वो जूता लेके लड़की का ही था, वो लौट गई थी। कहाँ लेके आते ये खाने हैं? क्या नाम पड़ता है आपका? क्या नाम पड़ता है आपका? तुमको किडनैप कर लिया, क्या नाम था? अखिलेश और जितेंद्र। ये कहीं किडनैप करके हमें लेकर गए थे संडेला, वहाँ से हमें तीन दिन बाद छोड़ दिए, वहाँ से हमें रोज़ कुतवाली बुला रहे हैं, रोज़ ये जो कितने दिन से कुतवाली? 10 दिन से। आज आपको यहाँ पर डॉक्टर के लिए भेजे 10 दिन बाद जी। मामले को दबाया जा रहा है, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। बाराबंकी में राहुल गांधी के जन्म दिवस पर राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया ने समर सत्ता भोजन का आयोजन किया, देखिए रिपोर्ट।
बाराबंकी में राहुल गांधी के जन्मदिन पर आज राज्यसभा के सांसद पी एल पुनिया ने समरसता भोज का आयोजन किया। इस मौके पर हजारों लोगों ने भाग लिया। समरसता भोज में सांसद डॉक्टर पी एल पुनिया के अलावा तनुज पुनिया, इरफान कुरेशी, डॉक्टर अमरनाथ समेत कई दिग्गज कांग्रेसी मौजूद रहे। 30 दिन की इबादत को किया शैतान ने बेकार, नाम हरम लड़की ने खूब गले मिले मुस्लिम नौजवान। 30 दिन रमजान की इबादत करने के बाद ईद के मौके पर लखनऊ के एक मॉल में स्मार्ट लड़की ने मुस्लिम नव युवकों से गले मिलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते टोपी लगाए नौजवानों की भीड़ लग गई। कांग्रेस से कटने लगे माया अखिलेश, यूपी में होगा त्रिकोणीय मुकाबला, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी के लड़के सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन नतीजा पक्ष में ही आया। बीजेपी की भारी बहुमत के साथ सूबे की सत्ता हासिल की है। एक साल के बाद हाथी साइकिल की जोड़ी गोरखपुर के फूलपुर में साथ आई तो बीजेपी की गढ़ में सपा और बसपा ने परचम लहरा दिया। यानी यूपी का राजनीतिक संकेत साफ है, सपा बसपा का साथ पसंद है लेकिन कांग्रेस उतनी असरदार नहीं है। और ये थी इस वक्त की कुछ खास खबरें। मेरे यानी शुभांगी गुप्ता के साथ देखते रहिए तहलका टुडे। धन्यवाद।